हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सुंदर काले घने और लंबे बाल हर किसी की चाहत होती है। खासकर हर लड़कियां चाहती हैं कि उनके बाल लंबे हों। लंबे बालों में आप कोई भी डिजाइन बना सकते हैं। अच्छे लंबे बाल आपकी पर्सनैलिटी को निखारते हैं। बाजार में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जो बालों की देखभाल के लिए होते हैं। महिला पार्लर में जाकर महंगे ट्रीटमेंट भी कराती हैं, पर इन उत्पादों में इतने केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है कि कुछ समय के लिए तो हमारे बाल खूबसूरत हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाल अपनी प्राकृतिक चमक खो देते हैं। इस कारण हमें हमेशा इन ट्रीटमेंटों को करवाना पड़ता है। यह ट्रीटमेंट इतने महंगे होते हैं कि इन्हें हमेशा करवा पाना संभव नहीं होता। परिणाम स्वरूप बाल झड़ने और टूटने लगते हैं। अगर आप भी इस समस्या से परेशान है तो आप भारी ट्रीटमेंट के बजाय घरेलू उपाय द्वारा अपने बाल घने लंबे कर सकते हैं। यह पार्लर जितना महंगा भी नहीं है और कम पैसे खर्च करके आप सुंदर और लंबे बाल पा सकते हैं। साथ ही आपके झड़ते बाल भी इससे हमेशा के लिए रुक जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो इस नुस्खे में दोस्तों आपको बस शैम्पू के अंदर दो चीजें मिलानी है। तो आपको सबसे पहले एक खाली बाउल लेना है और इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले अपना फेवरेट वाला शैम्पू लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिनिक प्लस शैम्पू ले रहा हूँ। आप जो भी डेली यूज में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं वही शैम्पू आप यहाँ पर लें। मैंने यहाँ पर क्लिनिक प्लस शैम्पू लिया है और इस शैम्पू को आपको काट के इस खाली बाउल में ऐड कर देना है। इस तरीके से आपको पूरा शैम्पू जो है इस खाली बाउल में ले लेना है। अब दोस्तों दूसरी चीज जो आपको लेनी है वो दोस्तों नारियल का तेल। आपको यहां पर इसमें 2 चम्मच नारियल के तेल के ऐड करने हैं। दोस्तों इस नुस्खे में सबसे खास चीज है नारियल का तेल। नारियल के तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो हमारे बालों को जूट डैंड्रफ और संक्रमण से बचाते हैं। नारियल का तेल फैटी एसिड और लॉरिक एसिड से भरा होता है जो बालों को टूटने से रोकता है और इस प्रकार इन्हें भरने में सहायता करता है। नारियल का तेल बालों की जड़ों में समा जाता है जिससे ये न केवल उन्हें भीतर से मॉइस्चराइज करने के लिए बल्कि उन्हें गर्मी और पर्यावरण क्षति से बचाने के लिए काम भी करता है। नारियल के तेल की मालिश करने से रक्तचाप सुधर जाता है जिससे बालों की विकास दर बढ़ जाती है। इस अद्भुत तेल में विटामिन ई, विटामिन के और रसायन होता है और यह एंटी फंगल और जीवाणु रोधी गुणों के कब्जे में भी है जो जू और डेंडअप के खिलाफ सुरक्षा करता है। साथ ही आपके बालों की ग्रोथ को काफी तेजी से बढ़ा देता है जिससे आपके बाल घने लंबे और चमकदार बनते हैं। अब आपको यहाँ पर लेना दोस्तों आधा कटा हुआ नींबू। आपको आधे कटे हुए नींबू को शैम्पू के अंदर ऐड कर देना है। नींबू में मौजूद विटामिन सी कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। यह आपके बाल बढ़ने की दर पर प्रभाव डालता है। यह बालों की जड़ों की सफाई करके रोम छिद्र खोल देता है। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं और यह सीबम के उत्पादन को संतुलित करता है। यह इसके एसिडिक गुण के कारण बालों के झड़ने को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों सारी चीजें आपको ले लेनी है। अब आपको इन तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से दोस्तों ये आपका मिक्स होकर तैयार हो जाएगा। दोस्तों इसे जो लगाने का तरीका है वो ये है, आपको बस हफ्ते में एक दिन इसे अपने बालों में लगाना है। लगाना ऐसे है कि आपको नहाने से पहले इस पेस्ट को लेकर अपने बालों की जड़ों में इसकी अच्छे से मालिश करनी है। आपको ये पेस्ट 1 चम्मच लेना है और अपने बालों में अच्छे से इसकी मालिश करनी है। थोड़ा सा अपने हाथों को पानी में भिगो लें और इससे अपने बालों की अच्छे से मालिश करते जाएं। फिर आप द्वारा इस पेस्ट को ले सकते हैं। जितना भी आपने बनाया दोस्तों पूरा पेस्ट लेकर आपको धीमे धीमे अपने बालों पर लगाना है। आपको कम से कम 5 मिनट तक बालों में अच्छे से मालिश करनी है। फिर इसके बाद में बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक इस पेस्ट को लगाकर कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आप अपने बालों को सादा पानी से धो लें। दोस्तों इस उपाय को करने से आपके बालों की ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ेगी। ये नारियल का तेल और नींबू का रस
आपके बालों के अंदर तक जाकर अपना कमाल दिखाएगा। तो दोस्तों आप देखेंगे आपके बाल पहले से काफी लंबे, चमकदार और घने हो जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारियां आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाता हूँ कुछ ऐसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।